ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੁਣ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ ਸੁਦਾਸ ਜੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੋਣ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੈਗਸਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ उन्होंने कहा कि अंदाते की थां पेगासस नूं अहमियत देना कांग्रेस के पाखंड नूं उजागर करता है। हरसिमरत कौर बादल ने निशाना साधदे कहा कि बाहर आके किसानों की गल सदन अंदर चुप रहना कांग्रेस के किसानों के नाल धोखे की एक होर वड्डी मिसाल है। तो जबरदस्त निशाने उन्होंने कांग्रेस के साधे किसानों के मुद्दे से हरसिमरत कौर बादल ने कांग्रेस को घेरदिया होया कई निशाने साधे ने तो उन्होंने कहा कि किसानों की हिमायत होने का पाखंड कर रही कांग्रेस का दोहरा चेहरा बेनकाब होया। उन्होंने कहा कि सदन में कांग्रेस के आगू अधीर रंजन चौधरी किसानों की गल करने की बजाय पेगासस की गल कर रहे हैं उससे चर्चा करने की मांग कर रहे हैं। इस बाबत उन्होंने ट्वीट भी किया है। हरसिमरत कौर बादल ने अपने ट्वीट च लिखा है किसान हिमायती होने का पाखंड करते अन्नदाते दी मुश्किलों की थां पेगासस के मुद्दे को अहमियत देने वाली कांग्रेस का दोहरा चेहरा बेनकाब बाहर किसानों की गल सदन अंदर चुप रहना किसानों के नाल कांग्रेस के धोखे को बेनकाब करता है। Madam, it is astounding to note that the House has set a record by passing each and every bill at the cost of only 7 minutes. It clearly vindicates an outrageous onslaught on the parliamentary democracy. मैडम हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं मांगा, हमने मांगा पेगासस जासूसी कांड पे थोड़ा चर्चा किया जाए। हमारा मांग जायज है, लेकिन ये सरकार ये नाजायज साबित करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा मांग तो जायज है। आज अचानक सप्लीमेंटरी लाया गया, बिना पूछे बिना बोले सप्लीमेंटरी लाया।